हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकदम सिंपल चटाकेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो छोटे से लेकर बड़ों तक सबको पसंद है। मैं आज लेके आई हूँ टमाटर और लहसुन की चटनी। इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है, उसमें मैंने दो ये टमाटर है काट के रखे हैं, उनको डालूंगी। और ये 10-15 लहसुन की कलियां डालूंगी। ये 5-10 कड़ी पत्ते, ये 2 चम्मच रेड मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा पाउडर। और इसको अब पीसेंगे, पानी बाद में बताऊंगी डालने का। देखिए ये पिस गई, इसको हम बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करके पाइपलाइन चलाएंगे। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल, मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी डाल सकते हो, कोई सा भी डाल सकते हो। इसको गर्म होने देते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे और इसमें मैंने ये थोड़े से कटे हुए लहसुन रखे थे। कटे हुए लहसुन का स्वाद अलग ही होता है और ऐसे भी डाल रखे हैं उसमें, वो भी स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाइए एक बार। अब ये इसको एकदम चलाते हैं थोड़ा। देखिए हमारा लहसुन अच्छे से पक गया, इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, थोड़ा मुँह में स्वाद आया ऐसे कटकर। अब इसमें ये हमारा पेस्ट डाल देंगे और इसको धीरे धीरे चलाएंगे। देखिए हमारी चटनी एकदम अच्छे से तैयार है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है। आप कच्ची भी ऐसे खा सकते हो और ऐसे पका के भी खा सकते हो, दोनों तरह से खा सकते हो। मतलब पका के ये है कि आप इसको स्टोर कर सकते हो 7-8 दिन के लिए, और कच्ची को 1 दिन में ही खाना पड़ता है उसके लिए। आप भी इसको बनाइए, बहुत टेस्टी है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी, मैं कैसे बनाती हूँ। मैं आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, मैं अच्छा बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ। अब देखिए ये हमारी चटनी तैयार है, तो हम सर्व कर देंगे। देखिए हमारी चटनी तैयार है, आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, अच्छी लगती है। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कैसी लगी और आप मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।